कोल्मोगोरो थोड़े हल्के लाइट प्रिंट में दिख रहे हैं। कोल्मोगोरो ये रशियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने मॉडर्न अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इन्वेंशन किया। कोल्मोगोरो नाम तो साफ लिखा है। तो इन्होंने 1933 में अपनी बुक पब्लिश की। ये देखो है 1933 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की, फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी नाम की बुक। उसमें इन्होंने एक न्यू अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी प्रेजेंट की। प्रोबेबिलिटी थ्योरी थोड़ी बहुत आपने 10th क्लास में लर्न की। अच्छा, चैप्टर का नाम मैंने बताया प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी थ्योरी मैथमेटिक्स ऑफ चांस, चांस मैथमेटिक्स, ठीक है ना, चांस मैथ्स, मैथमेटिक्स ऑफ चांस भी इसी को कहते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ चांस, ठीक, लक का मैथमेटिक्स है ये, ठीक है। जो गैम्बलर्स थे, गैम्बलिंग करते थे, उन्होंने एक्चुअली बेसिकली इसको इन्वेंट किया था बिगिनिंग में। फिर बाद में इसको मैथमेटिक्स में ने अब्जॉर्ब कर लिया और स्टैटिस्टिक्स में ये यूज होती है। आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया ये, स्टैटिस्टिक्स में यूज होने की वजह से इसका यूज बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी को जो मॉडर्न फॉर्मेट दिया वो इन्हीं कोल्मोगोरोव ने दिया। तो इस तरह से दो अप्रोचेज हैं इसकी, एक है एक्जियोमेटिक अप्रोच, न्यू अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, सेट थियरी का अप्रोच, और एक है अपनी ओल्ड अप्रोच, वो है अपनी क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसको क्लासिकल ओल्ड थ्योरी कहते हैं, और ये है मॉडर्न अप्रोच। आपके आपको मिक्सचर जैसा स्टडी करना है, थोड़ा मॉडर्न अप्रोच, थोड़ा सा ओल्ड अप्रोच, दोनों स्टडी करने हैं साइमल्टेनियसली। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी यहां से मेनली स्टार्ट होती है। प्रोबेबिलिटी है क्या? ए मैथमेटिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मैनी टाइम्स वी टॉक ऑफ प्रोबेबिलिटी विदाउट नोइंग व्हाट द प्रोबेबिलिटी इज। कई बार हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बात करते हैं, हम जानते नहीं होते हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं और प्रोबेबिलिटी बोल रहे होते हैं। जैसे कई बार आप बोलते हो पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग टू माई स्कूल इज 50-50, 50%, ऐसे बोलते हो आप, तो वही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू स्कूल, जो आप अनजाने में बोल रहे हो वही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू स्कूल इज 50-50 मीन्स 50%, 50% जो वो बोल रहे हो वही चांस मैथमेटिक्स है। 50% का मतलब ये है कि अगर टोटल आउटकम्स 100 हो, टोटल चीजें, टोटल थिंग्स, टोटल केसेस 100 हो, तो 50 आर इन फेवर ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 100, आउट ऑफ 100 50 आर इन फेवर ऑफ गोइंग टू स्कूल, सो प्रोबेबिलिटी टर्न्स आउट टू बी 1/2। तो इसी अनसर्टेनिटी के मेजरमेंट को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एक बहुत कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है, बोलता है मैं 100% पास हो जाऊंगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपने अपना एग्जाम अच्छी तरह दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, आप बोले मैं तो 100, कभी कभी तो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं तो कहते हैं 110% पास हो जाऊंगा, पर 110% को प्रोबेबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करती, ये 100% तक रिकॉग्नाइज करती है। 100% का मतलब है कि 100 चांसेज हैं, अगर 100 आउटकम्स बोले जाते हैं, 100 टोटल आउटकम्स हैं, तो सारे के सारे हमारे पासिंग के फेवर में है, कोई भी हमारे अगेंस्ट में नहीं है। टोटल केसेज 100 और पासिंग के केसेज भी हमारे 100 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग पूरी कितनी? 1। यही इसका मतलब, पासिंग इज सर्टेन इवेंट हियर। पासिंग जो आप बोले जा रहे हो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग मेरा 1 है, 100%, तो आपने एक्चुअली इनडायरेक्टली बोल दिया कि दिस पासिंग इज सर्टेन
इवेंट, इसको श्योर इवेंट कहते हैं, सर्टेन इवेंट है। और तभी ऐसे स्टूडेंट को बोलेगा भाई आपके फेल होने का चांस क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग बोलेगा बिल्कुल 0%, फेल तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है 100 आउटकम्स में से फेल के फेवर में कोई भी नहीं है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर नल, 0, नो चांस ऑफ फेलिंग, नो चांस। नो चांस का मतलब यही, प्रोबेबिलिटी इज 0, नो चांस। कई बार हम लोग लैंग्वेज में बोलते रहते हैं देयर इज नो चांस ऑफ दिस। ओके, तो ये जो इवेंट है कौन, फेल होने वाली इवेंट, फेलिंग, ये हो गई इम्पॉसिबल इवेंट। तो मैथमेटिक्स वालों ने उन चीजों को थोड़ा मैथमेटिकल शेप दी, इन्हीं चीजों को, इन्हीं स्टेटमेंट को, तभी इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो इम्पॉसिबल इवेंट बोला इसको। ये क्या है, फेल होना या पास होना क्या है, इवेंट है। और जो एग्जाम में बैठे थे वो क्या है, ट्रायल है। वो ट्रायल किया, एग्जाम में बैठ गए, अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन इज ए ट्रायल, पासिंग और फेलिंग इज इवेंट। ठीक, तो वो इवेंट और ट्रायल में फर्क आया कि जो पहले तो आपने ट्रायल किया, तो ट्रायल के आउटकम को, रिजल्ट को इवेंट कहते हैं। पॉसिबल आउटकम ऑफ ए ट्रायल इज कॉल्ड इवेंट। अभी मैं उन चीजों पर आऊंगा धीरे धीरे, पहले आपको मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग बताया। इसीलिए जो 10th क्लास में आपने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लर्न की थी, जो आज भी वैलिड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज टू ई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेज या आउटकम्स, कुछ याद किया होगा आपने वहां, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेज, और इन्हीं केसेज को आउटकम्स भी कहते हैं। तो यही अपनी ओल्ड क्लासिकल डेफिनेशन है, जो सब जगह खूब चलती है, कोई अभी भी दिक्कत नहीं है। और हम लोग इसके साथ एक मॉडर्न डेफिनेशन भी रीड स्टडी करेंगे, थोड़ी थोड़ी वो भी स्टडी करेंगे। और ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी अभी प्लस वन में लर्न कर रहे हो, ये प्लस टू में भी 10 मार्क्स की एग्जाम में, 10% एग्जाम में आती है, यहाँ भी आएगी। वो फिर इसका एडवांस वर्सन, थोड़ा सा बेटर वर्सन, वो प्लस टू में वहाँ भी 10% का वेटेज है इसका, ठीक है। और ये काफी इफेक्टिव इम्पॉर्टेंट चीज है, इसलिए मेहनत से इसको लर्न करें। तो यहाँ नीचे लिखा है नंबर ऑफ केसेज फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे और कुछ है नहीं खास। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, टॉप पे अगर देखें तो वही डेफिनेशन याद करें, नंबर ऑफ केसेज फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेज। फिर उसके नीचे है ट्रायल और रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये ट्रायल क्या चीज है, तो अच्छा हाँ, यहाँ नीचे ना एग्जाम्पल लिखे हुए हैं तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। टॉसिंग ए कॉइन, आपने कॉइन को टॉस कर दिया, तो क्या कर दिया, ट्रायल कर दिया, कॉइन लिया और उसको टॉस कर दिया। तो टॉसिंग ए कॉइन वो क्या चीज है, ट्रायल है। और कॉइन को टॉस किया तो वो आउटकम क्या होता है, हेड और टेल। तो हेड या टेल आ जाना, हेड आ जाना क्या है, इवेंट, या टेल आ जाना क्या है, इवेंट। एनी पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। जिसे ट्रायल कहते हैं उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ट्रायल और रैंडम है। तो कॉइन को टॉस किया वो क्या है, ट्रायल, और उसे हेड आ जाना वो क्या है, इवेंट। फिर कहते हैं रोलिंग ए डाई,
डाई क्या होता है, सिक्स फेस का डाई होता है। तो डाई अगले दिन मैं दिखा दूंगा आपको, ऐसा डाई होता है, थोड़े बच्चे जानते भी होंगे। सिक्स फेस का डाई होता है, सिक्स फेस, उसमें नंबर लिखे होते हैं। इसमें ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसमें भी सिक्स फेस हैं, वन एक बॉटम में है, एक बॉटम में एक ये है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, सिक्स फेस, ऐसा ही डाई होता है, ठीक है। और फिर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, हर फेस पे एक एक नंबर लिखा होता है, तो उसको डाई डाई कहते हैं, सिक्स फेस का होता है। डाई का जो प्लूरल है वो डाइस है, मतलब वन डाई और टू डाइस बोलेंगे, डाई के प्लूरल प्लूरल को डाइस बोलते हैं। अच्छा, ये डाई वो वाली वही वाला डाई है जो ऑब्जेक्ट है। तो रोलिंग ए डाई, किसी डाई को टॉस कर दिया, तो टॉस करते हैं तो उसमें ना वन आएगा या तो, या टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, इनमें से कोई आएगा, ठीक है। तो डाई को टॉस किया, ये क्या कर दिया, ट्रायल कर दिया, तो गेटिंग फाइव इज इवेंट, गेटिंग सिक्स इज इवेंट। ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम वेल सफुल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का जो पैक है वो स्टैंडर्ड पैक माना जाता है। इस पैक में से किसी वन कार्ड को ड्रा कर देना, एक कार्ड को ड्रा करना या टू कार्ड को ड्रा करना, वो क्या है, ट्रायल। और वो कार्ड किंग आ जाएगा वो क्या है, इवेंट। क्वीन आएगी तो क्या, इवेंट, ठीक है। प्लेइंग कार्ड का सिस्टम आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं अगले दिन थोड़ा बता दूंगा, हमारे पास सारे अरेंजमेंट हैं। मैं आज तो ऐसे ही थोड़ा समझ लो, नहीं तो मैं कार्ड अगले दिन यहाँ दिखा दूंगा आपको, ये कार्ड है। बाकी नेट पे बैठे हो उसमें प्लेइंग कार्ड्स निकालोगे, सारी लिस्ट आ जाएगी सामने। खैर, मैं भी आपको, मेरी ड्यूटी है तो मैं एक बार दिखा दूंगा ये वाले कार्ड होते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स के पैक में से किसी कार्ड को ड्रा करना, वो क्या है, ट्रायल। और उस कार्ड के किंग, क्वीन, जैक और 2 to 10 नंबर के कार्ड होते हैं उसमें, तो गेटिंग नंबर टू कार्ड इज इवेंट, गेटिंग किंग इज इवेंट, गेटिंग क्वीन इज इवेंट, और ड्रा के कार्ड को ड्रा करना क्या है, ट्रायल। ये ट्रायल आपको सिखा रहा हूँ कि ट्रायल क्या होता है, ठीक है। अगला, और भी एग्जांपल्स हैं ट्रायल के। ए बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग मल्टी कलर्ड बॉल्स। एक बैग है, उसमें बॉलें पड़ी हुई हैं, 6 red 3 green 4 yellow बॉल्स हैं, तो इनमें से एक बॉल को निकालना क्या है, ट्रायल। लेकिन रेड बॉल आ जाना क्या है, इवेंट। ड्राइंग टू बॉल्स इज ट्रायल, गेटिंग वन रेड एंड वन ग्रीन इज इवेंट। मतलब ट्रायल इवेंट कब बनेगा, जब उसका कोई आउटकम अपने सामने आ जाए, कोई भी पॉसिबल आउटकम, उसे इवेंट कहते हैं। ट्रायल कहते हैं उसमें से ड्रा करने को, और रेड आ जाने को इवेंट कहते हैं। अपीयरिंग इन +2 एग्जामिनेशन, आप अपने लिए +1 बोल सकते हो, +1 एग्जामिनेशन, +1 की एग्जाम में बैठना क्या है, ट्रायल है। और पास हो जाना क्या है, इवेंट है। फेल हो जाना इवेंट है। कंपार्टमेंट आ जाना वो इवेंट है। रनिंग ए रेस इज ट्रायल, जब रेस में रनिंग कर रहे हैं तो वो तो ट्रायल है। और उस रेस में फर्स्ट प्राइज मिलना वो क्या है, इवेंट है। किसी को मिलेगा फर्स्ट प्राइज, तो किसी को मिलेगा सेकंड प्राइज, और किसी को मिलेगा थर्ड प्राइज, और जो सही रेस में आगे नहीं आ पाया उसको मिलेगा सरप्राइज, है ना, कि उसको सरप्राइज मिलेगा कि औरों को प्राइज मिल गया। तो द पर्सन विल बी सरप्राइज टू सी अदर्स प्राइज, सो यू शुड ऑल्सो बी विनर, यू शुड बी प्राइज्ड पर्सन, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड पर्सन, ओके। इसके बाद बारी आती है सैंपल स्पेस की। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर सैंपल स्पेस की बहुत बड़ी वैल्यू है। अभी हम बात कर रहे थे कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन टॉस किया तो या तो हेड अपीयर होगा, नहीं तो टेल अपीयर होगा। तो
तो हेड और टेल को इकट्ठा कर दें, ऐसा सेट बना दें, सेट थ्योरी वाला सेट, तो इस सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूनिवर्सल सेट होता है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इससे बड़ा कोई सेट नहीं हो सकता, यूनिवर्सल सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। मतलब सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, शॉर्टकट में उसी को ट्रायल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कॉइन को टॉस किया तो हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली एंड देयरफॉर सेट ऑफ हेड टेल इज नॉन एज सैंपल स्पेस। इसमें से अच्छा सैंपल स्पेस का अगर कोई सबसेट ले लोगे, जैसे मान लो ये वाला सबसेट ले लिया ये एच, तो ये इवेंट है। एनी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड इवेंट, तो सेट थ्योरी में इसे इवेंट कहते हैं। यही कोल्मोगोरोव की रिसर्च है, जो मैं बात कर रहा था ना कोल्मोगोरोव की, ये उन्हीं का वर्क है। उन्होंने इसको इस चांस मैथमेटिक्स को सेट थ्योरी से अटैच कर दिया और इसको मॉडर्न मैथमेटिक्स बना दिया कोल्मोगोरोव ने। ठीक है, इवन क्या है इवेंट की हेड एज अपीयर्ड, ई टू इज द इवेंट, टेल एज अपीयर्ड, ई थ्री द इवेंट, बोथ हैव अपीयर्ड, सैंपल स्पेस इटसेल्फ इज इवेंट, क्योंकि सैंपल स्पेस इज सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हर सबसेट को क्या बोलते हैं इवेंट। सैंपल स्पेस के किसी भी सबसेट को इवेंट कहते हैं। तो ये तो था कॉइन इज टॉस्ड, तो उसका मैंने थोड़ा सा करके बताया। अब आपको बताता हूं डाई इज टॉस्ड, तो उसका सैंपल स्पेस क्या है। डाई एक मिनट, एक कॉइन इज टॉस्ड, अब की बार टू कॉइन्स टॉस करते हैं, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन टॉस कर दिया, तो सैंपल स्पेस में कुछ ऐसे आउटकम्स आएंगे। किसी को हेड या कैसे आएंगे, जैसे एक बार टॉस किया तो हेड टेल आया, हेड और टेल आया, और दो बार टॉस किया तो क्या क्या आने का पॉसिबिलिटी है बेटे, टेल टेल हेड 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 टेल टेल हेड। सही है बेटे, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, किसी भी ऑर्डर में लिख लो, वैसे मैं इस ऑर्डर में खुद लिखा करता हूँ, अलग अलग टीचर अलग अलग है मतलब ऑर्डर में लिखते हैं, ऑर्डर टू हेड फिर वन हेड फिर नील हेड, ऐसे इस ऑर्डर में हम जनरली लिखते रहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस। एक बात आपने ऑब्जर्व की, जब वन कॉइन टॉस किया था तो टू आउटकम थे, टू की पावर वन थे, अब टू कॉइन टॉस कर दिए तो टू स्क्वायर आउटकम्स हो गए, पहचाना टू स्क्वायर फोर आउटकम्स। अगर थ्री कॉइन्स टॉस करोगे तो टू क्यूब एट आउटकम्स आने वाले हैं, तो ये देखो टू स्क्वायर फोर आउटकम्स हैं। अब की बार जब टू कॉइन्स टॉस कर दिए तो टू स्क्वायर आउटकम्स हो गए। अच्छा थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, एक और बात, टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस या वन कॉइन इज टॉस ट्वाइस, दोनों एक ही बात है, यहां लिख देता हूं, टू कॉइन्स को एक बार टॉस कर दो या वन कॉइन को टू टाइम टॉस कर दो, वन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दोनों में आउटकम सेम आते हैं। अच्छा इज टॉस्ड ट्वाइस, दो कॉइन है नहीं तो एक ही कॉइन से काम चलाया जा सकता है, तो वन कॉइन कैन बी टॉस्ड ट्वाइस, आउटकम फोर ही आएंगे। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, थ्री कॉइन्स को टॉस किया तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स तो हमें पहले ही पता लग गए, टू क्यूब इक्वल टू एट आउटकम्स एक्सपेक्टेड हैं, एट आउटकम्स आने वाले हैं।
तो वो एट आउटकम्स की लिस्ट बनाता हूं। कोई बनवा सकता है लिस्ट? मैं ही बना देता हूं मेरे ख्याल से। आप बनवाओगे? कोई क्यों नहीं भाई, आपको थोड़ा आइडिया तो है। इधर देखो, ऑल द थ्री हेड लिख दो, अब टू हेड और वन टेल, दैट टेल में भी हियर, दैट में भी हियर, सराउंडेड बाय हेड्स, ये थ्री आउटकम्स बन गए। थ्री हेड वाले हो गए, टू हेड वाले हो गए, अब लिखेंगे वन हेड वाले, वन हेड में टू टेल्स। अब ये जो हेड है ना, दैट कैन बी इन द मिडल, दैट कैन बी इन द एंड, तो टेल टेल टेल, ये देखो, फिर ऑल द थ्री टेल्स। तो इस तरह से टू क्यूब एट आउटकम्स का सैंपल स्पेस, ये सारे क्या बना रहे हो आप? सैंपल स्पेस बना रहे हो, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के किसी भी सबसेट को इवेंट कहते हैं। ये इवेंट और भी बताऊंगा बाद में, अभी भी बता रहा हूं। व्हाट इज इवेंट? इज एनी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ ए सेट, एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के किसी भी सबसेट को इवेंट कहते हैं। इवन एम्प्टी सबसेट को भी इवेंट कहते हैं, वो एम्प्टी इवेंट होती है, एम्प्टी इवेंट। तो और इवेंट की क्या करना है? इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अच्छा, तो सपोज करो यहां पे आप ई लिखते हो, ई, तो एक इवेंट लिख लेता हूं। चलो ये वाली लिख लो, एच एच टी, वैसे इनकी काफी प्रैक्टिस होगी बाद में, थोड़ा साथ में भी बताता हूं। टी एच एच, एक हमने इवेंट इस रेफरेंस में लिख दी, इस सैंपल स्पेस की इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला याद करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। अब आप बोलेंगे वो फेवरेबल और टोटल, वो कहाँ गया? वो भी सही है, फेवरेबल अपॉन टोटल, और ये एन ई बाई एन एस भी सही है। क्यों एन ई बाई एन एस? यही कोलमोगोरोव की इन्वेंशन है, ये एन ई बाई एन एस, रशियन मैथमेटिशियन थे उनकी। और ये फेवरेबल अपॉन टोटल, ये बात वही है, लेकिन ये सेट थ्योरिक मॉडर्न अप्रोच है, तो इसके अंदर इसे भी लर्न करो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट वो कितने? वन टू थ्री, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस दैट इज एट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इज थ्री बाई एट। ये क्या आई? पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स एंड वन टेल इज थ्री बाई एट। ऐसे धीरे धीरे आप प्रोबेबिलिटी लर्न करने लग जाओगे। इसके बाद अब आज तो टाइम हो रहा बेटा, ज्यादा आपको तंग नहीं करेंगे, खूब तंग होंगे, ठीक है? खूब आपने एफर्ट से रिस्पॉन्स अच्छा, खूब मेहनत करो, मेहनत आपका एजुकेशनल एज है, थोड़ा सा इस एज में स्टडी कर लेते, इस एज में बहुत हैवी तो